क्या चलिए अपना अपना काम कर रहे हैं। हम आज का कार्यक्रम आरंभ करने जा रहे हैं। शिक्षण गण विद्यमान है,
लिखित प्रयोग आत्मिक दोनों का हर पल बढ़ता ज्ञान है। भूले नहीं यहाँ की शिक्षा पूर्व छात्र जाकर बाहर याद आज भी करते चाहे हो विदेश बसते जाकर। समय समय पर संस्थान में पूर्व छात्र आ जाते हैं अपने अनुभव बांट सभी को मोटिवेट कर जाते हैं। जितना चाहो यहाँ सीख लो मन में अलग जगाओ तुम संस्थान से बाहर जाकर ऊंचा नाम कमाओ। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आज इसके बाद मैं आप लोगों के एक्सपीरियंस सुनने चाहेंगे कि कौन किस मुकाम में कैसे पहुंचा। धन्यवाद। नमस्कार। हमारी तरफ से जो भी हमारे सीनियर मेंबर्स हैं उनको एक छोटा सा ऑनर हम साथ साथ करेंगे रिटायर्ड इंजीनियर बैचलर एसोसिएशन की ओर से। वी आर रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। 76 बैच के बारे में बताऊंगा कि 72 में ये सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ था। हम दूसरा ही बैच थे। उस समय सिर्फ 4 ही ट्रेड थी, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और पूरे हरियाणा के लिए ऑटोमोबाइल है। आज भी जब भी याद करते हैं तो जो कुछ आज है इस पॉलिटेक्निक की वजह से ही है। उनका अनुभव जितना है उतना किसी का भी यहाँ पर नहीं है। मैडम ज्योति सप्ता, डॉक्टर राजीव सप्ता जी की वाइफ, उनका भी स्वागत करते हैं। आपको एक बात और बता दूं कि एक और पहले शायद मैं एक एसपीओ बिजली बोर्ड पाशाही बाग में किसी गरीब आदमी का अमाउंट आधा करवाने के लिए मैं 2 किस्तों में मैं भर सकूँ ये मेरा काम करवा तो चलो ये तो हो जाएगा। तो मैं लाइन में खड़ा था तो अंदर से जो एसपीओ बैठे थे वो उठ के मेरे पास आ गए। जब कुछ भी आप लाइन में खड़े मैं तो नीलो खड़ी आपसे पढ़ा हूँ एचपी शर्मा। तो वैसे एक रिक्वेस्ट यहाँ से आई थी, वैसे वो जो मेरी रिक्वेस्ट मेरी भी थी तो बादशाह ने पहुँच की है कि इस यदि अपनी गैदरिंग बढ़ानी है तो हमारी जो फीमेल है तो यदि उनको बढ़ाएंगे तो नो डाउट कि आपके हमारी गैदरिंग बढ़ेगी बीच में। तो मैं सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल हमारे साथ जो खड़े हैं ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ खड़े हैं विजय शर्मा जी, पहचान लीजिए ध्यान से। ये मेरे सपरा जी, स्वामी साहब, हमारे लेक्चर सी आर रोड़ा जी, एस के प्रोपी जी, शर्मा साहब और बहुत सारे चेहरे जो अभी यहाँ पे नहीं है, जैसे हमें हरपाल सिंह जी ने पढ़ाया है थर्मल इंजीनियरिंग और कुछ और हमारे अभी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहे हैं, एम के गर्ग जी ने हमें पढ़ाया है अप्लाइड मैकेनिक्स। हाँ गर्ग साहब हैं बिल्कुल। और हमारे टाइम में 87 में हमारे प्रिंसिपल थे रमेश कुमार गुप्ता जी, उनकी गोपी मिक्सिस थी जहाँ तक मुझे ख्याल है और बड़ा ध्यान रखते थे अपने स्टूडेंट्स का। हमारे
फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मैथमेटिक्स हमें पढ़ाया है रघुवीर सिंह जी ने, तो उनका ये था कि अगर कोई लेट है तो वो क्लास में एंटर नहीं करेगा। तो मैं गांव से आया था और एक मामा जी का गांव है, वहाँ पर रहीन की वजह से तो बाहर बैठा हुआ था। तो उन्होंने देखा कि स्टूडेंट बाहर क्यों बैठा हुआ, मेरे को पकड़ के ले गए, मैं क्या मुझे जाने दे देंगे, तो मेरे को क्लास में छोड़ के हुआ है। तो वो चीज़ें याद आती हैं। बाकी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभी अपना मेरा हो गया है, लेकिन फिर बता देता हूँ। कमल जी सैनी, मेरा गांव झूरपुर कला पड़ता है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। मैं 87 में यहाँ एडमिशन लिया मैंने प्लस टू करने के बाद MLN कॉलेज से। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये टूलियस था अगर मैं कहूँ, क्योंकि मैं कॉलेज स्कूल के बाद कॉलेज गया और कॉलेज के बाद फिर स्कूल आ गया। यहाँ इतना डिसिप्लिन था अम्बाला पॉलिटेक्निक में, आप मिल नहीं सकते। उसके बाद आपके पास ड्राइंग बोर्ड है, उसके बाद आपके पास पी स्केयर है, ड्राफ्टर है, फिर आपने जो है ना वो लेटर राइटिंग है, स्क्रू के हेड बना रहे हो, बोल्ट के हेड बना रहे हो, बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती थी। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अम्बाला सिटी से मेरे पिताजी ने 1961 में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था, तो वो आपके बैचमेट थे, आप मेरे पिता समान हैं। मुझे 1981-92 में यहाँ पढ़ने का मौका मिला, श्री रमेश गुप्ता जी प्रिंसिपल थे जैसे बताया सैनी साहब ने, रोहिला जी, CR अरोड़ा जी, पृथ्वी साहब, BS भट्ट साहब, KV अग्रवाल जी, सरदार हरपाल सिंह जी, सुरजीत सर, KV अनंत जी, VK रतन जी और RP शर्मा जी, आपके मार्गदर्शन से, आपने जो पढ़ाया उसकी वजह से आज हम इस मंच पे खड़े हैं। और पॉलिटेक्निक में रहते हुए तो मुझे मंच पे कभी बोलने का मौका नहीं मिला, थोड़ा शाही नेचर का काम है। लेकिन 94 में जब से मैं गवर्नमेंट जॉब में आया, और इससे पहले RP शर्मा जी का जो लाइजनिंग थी एज PPO इंडस्ट्री के साथ में, मुझे कैंपस प्लेसमेंट मिल गया था आयशा प्रैक्टिस लिमिटेड में, एक और ऑफर मिली थी RMT के अंदर, और फाइनली मैंने आयशा प्रैक्टिस में ज्वाइन किया 91 में। पहले क्या लेके खड़े हैं, तो ये हमारे फ्रेंड हैं, हमारे भाभी जी, इनके मिसेज, उन्होंने हम मैकेनिकल के जो जितने भी एल्युमिनियम मीट आए हैं 89-92 में, उनके लिए हैंडमेड ये बना के दिए हैं। हमारे लिए पक्की पिक्चर लिखा हुआ है, पक्की यारी। तो हम लोग सभी एल्युमिनियम मीट पे इकट्ठे होते हैं, तो स्पेशली उनके माइंड में कहां से पता नहीं भगवान जाने कहां से आया है, भी उन्होंने स्पेशल हमारे लिए बना के दिया और हमारे लिए लेके आए हैं। टच वुड नजर ना लगे तो अब मेरी सरकार, टच वुड नजर ना लगे तो अब मेरी सरकार। I'm gonna get you down.